दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की एक ऐसी जगह के बारे में जिसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में बर्ड्स अलग अलग जगहों से आकर आत्महत्या करती है। आखिर क्यों हर साल इस जगह पर लाखों तादाद में बर्ड्स आकर सुसाइड करती है? क्या यहाँ कोई प्राकृतिक घटना होती है, या यहाँ किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया है, या इन पक्षियों को कोई रहस्यमयी तरीके से अपने वश में करके मार डालता है, या इस रहस्यमयी जगह की कोई और ही कहानी है? चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, भारत में कई बेहद विचित्र जगहें हैं जिनके बारे में आप अक्सर खबरों में सुनते रहते होंगे। कहीं दावा किया जाता है कि वहाँ भूतों का साया है, तो कहीं का मौसम और परिवेश अजीबोगरीब है जिससे वहाँ के लोगों को समस्याएं होती हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ इंसानों को नहीं पक्षियों को समस्या होती है। इस जगह पर बर्ड्स आकर सुसाइड कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के असम राज्य की बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा गाँव जतिंगा देश में अपने रहस्यमयी होने के कारण प्रसिद्ध है। इस गांव को सुइसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है और इस जगह को बर्ड्स के लिए बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गांव में चिड़िया आत्महत्या कर लेती हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि यहां एक दो नहीं बल्कि काफी संख्या में चिड़िया सुसाइड करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहाँ के लोकल पक्षी ही नहीं, बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर सुसाइड कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गांव गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सुंदर दृश्यों के साथ एक शांतिपूर्ण जगह भी है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल के साथ साथ काफी ठंड का भी अनुभव होगा। यहाँ रात के समय ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ही डरावनी जगह पर आ गए हों। कुछ लोग इस गांव की खूबसूरती को देखने आते हैं तो कुछ लोग इस गांव के रहस्यों के बारे में जानने आते हैं। इस जगह की आबादी केवल 2500 लोगों की है और यह विश्व स्तर पर पक्षियों की आत्महत्या की घटना के लिए जाना जाता है। आमतौर पर सुसाइड से जुड़ी बात सिर्फ इंसानों के लिए सुनी जाती है, मगर जानवरों में ये काफी हैरान करने वाली घटना लगती है। इस बात से न केवल गाँव के लोग परेशान हैं बल्कि साइंटिस्ट्स भी इस सुसाइड की वजह नहीं जान पाए हैं। आखिर क्यों हर साल ये गांव पक्षियों का शमशान घाट बन जाता है? दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 1905 से, जब इस गांव में एक जंगली खूंखार शेर का खौफ था। उन दिनों गांव वालों का एक जंगली भैंस अचानक गायब हो जाता है, जिसे खोजने के लिए गाँव के लोग जंगल की ओर चल देते हैं। लेकिन लोग ये भी सोच रहे थे कि अब तक तो जंगली शेर उस भैंस को खत्म कर चुका होगा, लेकिन फिर भी लोग उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन उसी समय लोगों को कुछ ऐसा डरावना नजारा दिखता है जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें दिखता है कि अंधेरी रात के सुनसान रास्ते में हजारों की संख्या में पक्षी मरे हुए हैं, और उसी रात से इस घटना का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि जतिंगा में पक्षियों की आवाज ही बनी रहती है और वो जिंदा भी रहते हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो पंछी जतिंगा में आते हैं वो जिंदा नहीं रहते। आत्महत्या की ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के महीनों में ज्यादा होती हैं, जबकि शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ चिड़िया अपनी ही जान ले लेती हैं। बाकी दिन वो उड़ती दिख जाती हैं। लोकल और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां यहाँ सुसाइड कर लेती हैं। रात के वक्त इस गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लगी है। बर्ड एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इस रहस्यमयी घटना का कारण है, यानी यहाँ चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये भी माना जाता है कि कोहरे से भरे मौसम में यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इस वजह से बर्ड्स लाइट के सोर्स के पास उड़कर जाती हैं। लाइट न होने के कारण उन्हें साफ दिख नहीं पाता है और वो घरों, पेड़ों और गाड़ियों से भिड़ जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहां जीवित नहीं रहने देती है। दोस्तों, बता दें कि जतिंगा एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट बहुत कम ही आते हैं और वहां पक्षियों का मरना जतिंगा के लोगों के लिए आम बात है। लेकिन साल 1996 में एडवर्ड प्रिचर्ड जी ने अपने बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में जतिंगा और वहां हो रहे पक्षियों के मौत के बारे में जिक्र किया है कि जब वे कुछ डॉक्टर्स के साथ भारत में जगह जगह पर जाकर पक्षियों से संबंधित रिसर्च कर रहे थे, तो उसे जतिंगा में हो रहे घटना के बारे में पता चला। और जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ
और वहां की आबोहवा उन्हें ऐसी लग रही थी कि जैसे वो पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। लेकिन पक्षियों की मौत कैसे होती है, इसका रहस्य अनसुलझा ही रह गया। फिर 1997 में सरकार ने जतिंगा पर रिसर्च करने की सोची और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीर सेन गुप्ता को उनके टीम के साथ जतिंगा पर रिसर्च के लिए भेजा। वो कई महीनों तक जतिंगा में रहे और पक्षियों के मौत के बारे में जानने की कोशिश की। धीरे धीरे इनकी रिसर्च पूरी होती गई और पक्षियों के मौत की असली वजह के बारे में पता भी चल गया। सुधीर सेन गुप्ता ने एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले कई देशों में ऐसी घटना सामने आ चुकी है, वहां भी ऐसे ही लाखों की संख्या में बर्ड्स मरते थे। उन्होंने बताया कि पक्षी मरने से पहले अजीब हरकतें करते थे। वो ऐसी हरकतें करते थे मानो कि उस पर किसी ने जादू टोना किया हो। लेकिन जब मौत के बाद पक्षियों की जांच हुई तो वो खाली पेट पाए गए, यानी पक्षियों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। ये बात काफी हैरान करने वाली थी क्योंकि जतिंगा के जंगलों में पक्षियों के खाने के लिए काफी फ्रूट्स और वनस्पति मौजूद थी जिन्हें खाकर वो अपना पेट भर सकते थे, लेकिन फिर भी वो भूख की वजह से मर गए। इन पर सुधीर सेन गुप्ता ने कहा कि यहां आकर अक्सर वो खाना खाने छोड़ देते हैं जिससे भूख की वजह से पक्षियों की मौत हो जाती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जतिंगा के जंगल में कुछ ऐसे वनस्पति हैं जिसे खाकर पक्षियां कुछ देख नहीं पाती, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। और शाम के वक्त जतिंगा में काफी तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से पक्षियां पर्वत और ऊंचे ऊंचे पेड़ से टकराकर मर जाते हैं, जिससे लगता है उसे किसी ने लाठी से मारा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, साइंटिस्ट्स के बताए गए कारण ही असली वजह है या कोई और ही वजह है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।